Hey all, welcome back to my channel, friends. Hope you all are doing good in your lives. तो आज का जो वीडियो है डेट इज़ रिलेटेड टू होम ऑर्गेनाइजेशन और मैं कुछ इस तरह के टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जिससे आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन अ बजट एंड साथ ही साथ अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी डिले फिर लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर फर्स्ट हैक ये है कि जब हम सुबह अपना बेडिंग बनाते हैं तो अक्सर जो है हमारा हाथ जो है वो फिंगर्स जो है वो उसमें दर्द करने लगते हैं या हमारे नेल्स जो है वो टूट जाते हैं। मेरे तो बहुत टूटते हैं, आप भी बताइएगा अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक हैक ये है कि आपको अपना दोनों मैट्रेसेस को अपनी तरफ पुल करना है एंड देन उसके बाद उसमें हम अपनी जो बेडशीट है उसको अच्छे से टक कर लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अपनी बेडशीट को और देन हम उसको पुश कर देंगे। अब आपकी मैट्रेस जो बेड कवर है वो मैट्रेस से बाहर निकल के नहीं आएगी और वो उसमें अच्छी तरह से टक हो गई है। और इस साइड से टक करने के लिए हम स्पैचुला का जो है वो यूज़ करेंगे और इससे हम जो है पूरी अच्छी तरह से अपनी बेड कवर को मैट्रेसेस के नीचे बिल्कुल टक कर देंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये एक बहुत ही यूज़फुल सा हैक है जिसके हेल्प से अगर आपके अब बच्चे पूरा दिन भी अगर इस बेड पे नाचते रहे ना तो भी ये बेड तस से मस नहीं होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ जो कि रिलेटेड है हमारे ऑर्गेनाइजर्स एक जो हम घर पे बना सकते हैं। तो अब आपने इस तरह के पिलो कवर्स जो है हमारे पास कई बार बेडशीट जो है वो ख़राब हो जाती है लेकिन पिलो कवर्स रह जाते हैं। तो पिलो कवर्स से ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, बहुत रीयूज़ हो सकता है पिलो कवर्स का। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं यहाँ पे हमें पहले लेंथ वाइज पिलो को अपने जो है वो हाफ में फोल्ड करना होगा देन यहाँ पे मिडल से इसको कट करना होगा सो डैट उसमें एक होल हो जाए और जहाँ से हम अपने हैंगर को फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल ही क्या होगा कि मैं किस तरह के ऑर्गेनाइज़र की बात कर रही हूँ और देखिए ये किस तरह से यूज़ हो सकता है। जैसे बच्चों के ब्लेजर्स होते हैं या कोट पेंट्स होते हैं या कोई साड़ी वगैरह है जिनके कवर्स जो है वो गुम हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं तो इसमें आप इजीली इनको जो है वो स्टोर करके रख सकते हो, ना ही डस्ट लगेगी ना ही कुछ। और इसी तरह से अगर हमारे पास जिस जो थोड़ी इस तरह की स्टेशनरी होती है जैसे कि चार्ट पेपर्स हो गए, रैपिंग पेपर्स हो गए या वॉल पेपर शीट्स हम लेके आए होते हैं तो उस तरह की जो हमारे हैं उनको हम इसमें एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। और थर्डली हम इसको एज अ लॉन्ड्री बैग भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम जो अपने जो क्लोथ्स हैं जिनको वॉश करना है उनको इसमें आराम से जो है वो डाल के रख सकते हैं और जब हमें वॉश करना है इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखा आपने कि कितने अच्छी तरह से हमारा पिलोज का जो है पिलो कवर्स का यूज़ जो है वो यहाँ पे हो गया। सो नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे कैप्स होती हैं इनका कुछ शेप ही ऐसा होता है कि अगर हम इनको हुक पे टांगते हैं तो ये बार बार ना गिर जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास ये है कि मैंने अपनी एक मेटल की बैंगल ली है और उसको मैंने कट कर लिया है। अगर आपके पास एडजस्टेबल वाली बैंगल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको उसमें अपने सारे कैप्स को डाल देना है और देन उसको आप रॉड पे भी लगा सकते हो या फिर सामने जो हुक है वहाँ पे भी लगा सकते हो। अब ये जो है बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे और अपनी प्लेस पे ही रहेंगे। सो बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ जहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और ये ऑर्गेनाइज़र एक्चुअली क्या है, मेरे बेटे को बहुत शौक है गॉगल्स अपनी सनग्लासेस लेने का। तो उसके कई मतलब जिस तरह से प्लेस उसको ऑर्गेनाइज़ किया था उससे ना उसकी काफ़ी टूट जा रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र जो है एक देखा है। तो उसके लिए आपको कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड को आप किसी भी रैपिंग पेपर से जो है अच्छे से कवर कर लीजिए एंड देन हमें एक बेबी रिबन चाहिए होगा। अगर आपके पास बेबी रिबन नहीं है आप नॉर्मल जो वूल होती है उसको भी ले सकते हैं। और उसको मैंने यहाँ पे जो है वो स्टेपलर की हेल्प से पिनअप कर लिया है दोनों साइड से और थोड़ा सा टाइट रखना है हमें इसे। तो टाइटली हम इसको पिनअप कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ सीजर। अब उसी तरह से हमें नीचे वाली साइड भी जो है अपना बेबी रिबन जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे और बिल्कुल उसी तरह से स्टेपलर की हेल्प से इसको पिनअप कर लेंगे और टाइटली इसको पिनअप करना है सो डैट वो लूज़ ना हो।
तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको इसको हैंग करना है तो आप हैंग करने वाला सिस्टम जो है वो लगा सकते हो आप थ्रेड की हेल्प से या किसी रस्सी की हेल्प से। मैंने यहाँ पे डबल टेप की हेल्प से इसको अलमीरा के अंदर ही चिपका दिया है और देखिए कितने अच्छे से हमारी जो जो सनग्लासेस हैं वो आराम से इसमें जो है वो हम हैंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हमने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हो ना तो बच्चे भी उसको ख़राब नहीं करते हैं, वो उसी तरह से ऑर्गेनाइज रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, डैट इज़ द फिफ्थ वन। तो आपने मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते देख ही लिया होगा सीज़र के साथ। सीज़र जो थी उसका जो ब्लंटनेस है, वो शार्पनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मेरा ये स्टील वूल है जो कि अब ख़राब हो गया था, तो मैं इसको फेंकने लगी थी, लेकिन सोचा चलो फेंकने से पहले इसका थोड़ा सा और जो है फ़ायदा उठा लिया जाए बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये जो है ये बहुत अच्छे से सीज़र्स को शार्प करने के काम आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीज़र को अच्छी तरह से रब करेंगे सीज़र के ऊपर। थोड़ा बहुत निकलेगा बट इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी ये ख़राब ही है। तो यहाँ पे देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है, थोड़ी देर और करेंगे तो ये आराम से बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी और इजीली आपकी किसी भी क्लोथ या किसी भी कपड़े को चीज़ को काटने में काम आ सकती है। सो आपने एक कोट बहुत सुना होगा, व्हेनेवर यू गेट द लेमन मेक अ लेमनेड, बट नॉट ऑलवेज, बिकॉज अगर लेमन इस तरह से गंदे हो गए होंगे तो उसमें से कड़वाहट जो है वो ज़रूर आएगी, तो उसका लेमनेड जो है वो भी कड़वा लगेगा। तो चलिए उसको थ्रो करने से पहले, लेकिन उसको थ्रो नहीं करेंगे, उसका भी हम कुछ ना कुछ यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा से ब्राउनिश से हो गए हैं या फिर ऐसे जिनको आपने यूज़ में ले लिया है उनको भी आप कट करके अपने किसी भी स्मॉल बॉक्स में जो है वो डाल लीजिए। और इसमें हम डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा नमक, और नमक मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, हम नींबू का अचार नहीं बना रहे हैं, अभी बताती हूँ हम क्या बना रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके अपनी सिंक एरिया के पास रख लेंगे। अब सिंक एरिया के पास इसलिए रखेंगे क्योंकि जितने भी हमारे जो कॉपर के या तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको हम इजीली इसकी हेल्प से जो है वो साफ़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल चमक जाएंगे। और जो हमारे मंदिर में यूज़ होने वाले बर्तन हैं, रोज़ उनको हम साफ़ करते हैं घर में, तो रोज़ ही उसके लिए हमें नींबू को काटना पड़ता है, लेकिन वो वाला टाइम हम सेव कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास ऑलरेडी जो ख़राब हो चुके हैं या जिसमें से हम ऑलरेडी डस्ट निकाल चुके हैं वो वाले नींबू का हम उसी वक्त, बस हमें एक बॉक्स खोलना है और उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो ये बर्तन है देखिए बिल्कुल जो है वो अब चमक रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हम घर पे ही जो है अपने छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके, थोड़ा सा रीयूज़ करके जो है अपने लिए बहुत सारे अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स और हैक्स की हेल्प से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने बजट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आज के हैक्स अगर पसंद आए हैं तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।